अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है और बुरे लोगों की तरक्कियाँ हो रही हैं, उनकी प्रमोशन हो रही है। हम लोग कितने अच्छे हैं, हम लोग पांडव लोग कितने अच्छे हैं, लेकिन हमारे साथ देखिए क्या हुआ है। और कहाँ वो दुर्योधन पार्टी, वो उनकी वो देखो, वो लोग राजपाट कर रहे हैं। लोमशिशि से उन्होंने ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि उनको ये था कि लोमशिशि से हमें कुछ सुनने का मौका मिल जाएगा। हालांकि इस बात का जवाब युधिष्ठिर महाराज को पता है, लेकिन युधिष्ठिर महाराज ने उनसे बातचीत शुरू करने के लिए, उनसे कुछ सीखने के लिए, उनसे कुछ बुलवाने के लिए उन्होंने ऐसा पूछा कि ऐसा क्यों है कि अच्छे लोग जो है बेचारे कष्ट पाते रहते हैं दुनिया के अंदर, लेकिन जो बदमाश हैं, गंदे हैं, ये लोग ये तरक्की हो रही है, उनकी प्रमोशन हो रही है, वो लोग आगे बढ़ रहे हैं, और अच्छे लोग बेचारे ये अच्छे लोग धोती कुर्ता पहन के बैठे हैं लोग और वो देखो बुरे लोग जीन्स पहन के बाहर बढ़िया बढ़िया काम कर रहे हैं, सब खा पी रहे हैं, क्या तुम भी है। तो ऐसा क्यों होता है? तो कर्म का सिद्धांत फिर बताया तो लोमशिशि ने कि जो व्यक्ति आज अच्छा अपने जीवन में अनुभव कर रहा है, कभी ना कभी उसने जाने अनजाने पुण्य किए थे, इस वजह से जो है व्यक्ति आज अच्छा भोग रहा है। लेकिन आज अच्छा भोगते हुए बदमाशी भी कर रहा है, यानी वो बीज बो रहा है जिसके फल उसको आगे जाके भोगने पड़ेंगे। और जो अच्छा व्यक्ति है कहीं ना कहीं उससे भी गलती कुछ ना कुछ हुई है, जिसकी वजह से आज वो उसके परिणाम भोग रहा है। लेकिन इन परिणामों को भोगते हुए, दुख पाते हुए, लेकिन फिर भी अपना संत स्वभाव नहीं छोड़ रहा, तो इसकी वजह से अब वो जो अच्छे कार्य कर रहा है भविष्य में उसको फिर इसका अच्छा फल ही मिलेगा। तो इससे जो कर्मों के फल है इससे कोई नहीं बच पाया ऐसा। और साथ ही ऐसे लोग जो कि फलते फूलते नजर आते हैं, वहां से इनका फलना फूलना जब नकली होता है, असल में इनके पास ऐश्वर्य वैभव तो होता है लेकिन ईर्ष्या, द्वेष, कपट, दंभ, इसमें इतने मरे पिटे होते हैं ये लोग कि सब कुछ होते हुए भी ना ये दुखियारी आत्मा ही रहते हैं। ये इनके पास ब्रांडेड कपड़े होते हैं, इनके पास कपड़े अच्छे होंगे, इनके पास और खूब सारे, इनके पास क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड स्वाइप मारना, ये सब होता है इनके पास, लेकिन अंदर इनसिक्योरिटी, ईर्ष्या, वो कैसे आ गए, पैसा है अब बहुत सारा पैसा है, और क्या है, ईर्ष्या भी है, द्वेष भी है, काम वासनाएं भी हैं, क्रोध भी है, इसमें जलते फुरते भी रहते हैं ये, ऐसा है। सो दैट मीन्स हर क्लास जो है, हालांकि दुखी दुख तो है सारी क्लास में, चाहे रिच क्लास हो, चाहे मिडिल क्लास हो या पुअर क्लास हो, दुख तो वास्तव में सब जगह पर है। तो और वाकई वैसा है भी, लाइक माई मदर शी वॉज इन ऑफनेज, अनाथ आश्रम में मेरी माता श्री सेवा करती थी। ज़्यादातर बच्चे जो पालने में छोड़ के जाती थी माएँ, वो अमीर घर के बच्चे होते थे, क्योंकि मेरी मदर जो थी, जो अनाथ आश्रम था, बाहर पालना लगा होता है, जैसे ही कोई बच्चा रखेगा ना अंदर अलार्म बजता है, तो गार्ड और वो सब दौड़ के आते हैं ताकि उस माँ को पकड़ सकें और माँ को बोल सकें बच्चा क्यों छोड़ के जा रहे हो आप। फिर मेरी माँ काउंसलिंग करती थी उनकी इस तरह से, तो अगर वो कहती देखिए बहन जी आप सही बोल रहे हो, लेकिन हमारी हाई प्रोफाइल सोसाइटी में ना ये बच्ची स्वीकार नहीं हो पाएगी, मैं बच्ची को मार नहीं सकती, लेकिन इसको अनाथ आश्रम में छोड़ के जा रही हूँ। सो फिर फाइनली फिर बच्चा रख लिया जाता था लाइक दैट। तो वहाँ पर भी दुख है, जो रिच क्लास है उसके भी अपने दुख हैं, जिसका पैसा नहीं होता उसको लगता है अरे वो लोग वहाँ बहुत सुखी होंगे, और जो वहाँ है ना, लेकिन उनके भी दुख हैं। जो ये पेज थ्री क्लास है, पेज थ्री जानते हैं ना अखबार में, जो पेज थ्री जो पेज होता है सेलिब्रिटीज वाला पेज, इन लोगों के अपने दुख हैं, कष्ट हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, ड्रग्स है, दिस दैट, इनसिक्योरिटी है, प्रतिस्पर्धा है, ये सब है वहाँ पर। तो इसलिए कष्ट जो है वो तो वास्तव में सब जगह पर है, लोमशिशि ने कहा। तो इसलिए अगर कोई दुष्ट भी नजर आ रहा है तो ऐसा नहीं बहुत सुखी है वो, ना 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 ना, हो सकता कुछ कपड़े उसके अच्छे हों, ब्रांडेड खाना हो, जोमेटो से वो खाना मंगा लेता हो, स्विगी से खाना मंगा लेता हो, पर इसका मतलब ये नहीं जोमेटो स्विगी से जो खाना मंगा रहा है वो बहुत सुखी है अब, ना 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 ना, ऐसा नहीं है। लेकिन वैसे देखें जो संत प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उतार चढ़ाव में क्योंकि संभाव रहते हैं, इसीलिए ये सुखी माने जाते हैं। दुष्ट लोगों के पास भले ऐश्वर्य वैभव हो, लेकिन उनका मन जो है क्योंकि काला है, गंदा है, इसलिए सुख में रहते हुए भी सुख का पूरा अनुभव नहीं कर पाते। और युधिष्ठिर महाराज को इस प्रकार से लोमशिशि ने कहा, आप जो है वास्तव में देवताओं के समान हैं। उनकी लाइफ में कभी कभी ऐसा होता है कि वहाँ राक्षस वगैरह आ गए, उनकी जगह ले ली, उनको निष्कासित कर दिया, लेकिन वापस वो रीइंस्टेट फिर से हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से कभी कभी अच्छे लोगों के साथ बुरा हो जाता है, लेकिन फिर संभाव समदृष्टि की वजह से, अच्छे हृदय की वजह से वो फिर से सेटल भी हो जाते हैं। हरे कृष्णा कृष्णा।